तो आज कोई और नहीं, तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी जी और वर्तमान अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी, इन दोनों को बाहर आके क्षमा याचना करना चाहिए। करोड़ों देशवासी, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, करोड़ों देशवासी ये मांग करते हैं कि आपने अपने छोटे से राजनीतिक कारण के कारण आपने इतने विराट धर्म को जो अपमान करने का कोशिश किया है, हिंदुस्तान इसके लिए आपसे क्षमा मांगती है। कर्नाटक के चुनाव से पहले जिस प्रकार के आज कोर्ट में वर्डिक्ट आए हैं, बार बार हम कहते हैं कि कोर्ट के वर्डिक्ट पे भारतीय जनता पार्टी टिप्पणी नहीं करती है, क्या यह हकीकत नहीं है कि इस कोर्ट के केस का आरंभ तो आपके समय में हुआ, जो ब्लास्ट हुआ वो 2007 में हुआ जहां तक मैं जानता हूं, 8 वर्षों तक का समय यूपीए के कार्यकाल में रहा, 8 वर्षों तक आप अगर हकीकत जानते थे, इफ यू न्यू द ट्रूथ फॉर ऑल द 8 ईयर्स ड्यूरिंग योर टेन्योर, व्हाई वे यू स्लीपिंग, आपने वो एविडेंसेस डिपोज क्यों नहीं किया, आपने उन आधिकारिक एविडेंसेस को सामने क्यों नहीं रखा, हिंदुओं को बदनाम करने के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा देने के लिए जिस प्रकार से आपने ये षड्यंत्र रचा है, कर्नाटक के चुनाव से पहले हिंदुस्तान की जनता देख रही है, कर्नाटक में जवाब देगी। सिद्धरमैया जी से भी हम सवाल पूछना चाहते हैं। सिद्धरमैया साहब, राहुल गांधी जी के कहने पर, वही सिद्धरमैया जो अपने आप को चंद दिनों पहले तक एथिस्ट अर्थात नास्तिक कहते थे और अचानक अब कहते हैं मेरे नाम में भी राम है, मेरे नाम में भी राम है, सिद्धरमैया साहब क्या यह हकीकत नहीं है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जिसके विरुद्ध खुद एनआईए इन्वेस्टिगेट कर रही थी, उस पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के साथ आपने साठगांठ बनाया, उस पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के बहुत सारे ऐसे लोग जो जेल में थे उनको छोड़ने का काम सिद्धरमैया सरकार ने विगत वर्ष किया, क्या यह हकीकत नहीं है कि जिस प्रकार से 2013 में, मैं वो आर्टिकल लेके आया हूं, 2013 में सुशील कुमार सिंधे जी ने चुनाव से पहले तुष्टीकरण की राजनीति की पराकाष्ठा करते हुए, एट द हाइट ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट, मिस्टर सुशील कुमार सिंधे इनफैक्ट सेंड अ लेटर टू ऑल द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ द कंट्री, डोंट डिटेन इनोसेंट मुस्लिम यूथ। कोई भी इनोसेंट हो सकता था, यहां मुस्लिम लिखना क्या आवश्यकता, आप केवल यह कह सकते थे डोंट डिटेन एनी इनोसेंट यूथ और एनी इनोसेंट पर्सन फॉर दैट मैटर ऑफ पर्पस, जो निर्दोष है आप उसको डिटेन मत करिए, आप बाकियों को तो डिटेन करिए मगर उसका धर्म देखकर डिटेन करिए और धर्म देखकर छोड़ दीजिए। इस प्रकार की राजनीति जो सुशील कुमार सिंधे जी ने उस समय सोनिया गांधी जी के कहने पर किया था, उसी तर्ज पर चलते हुए सिद्धरमैया जी ने भी एक नोटिस जारी की थी कि डोंट डिटेन मुस्लिम यूथ, वो तो कोर्ट की फटकार और भारत की जनता के ललकार के कारण सिद्धरमैया जी को वह नोटिस वापस लेना पड़ा। मगर इस प्रकार की जो अपीजमेंट की राजनीति है राहुल जी, ये अपीजमेंट की राजनीति ज्यादा दिल चलने वाली नहीं है। जब 2014 में इसी अपीजमेंट और तुष्टीकरण की राजनीति के कारण द कांग्रेस पार्टी वॉज डिरेल्ड, द कांग्रेस पार्टी गॉट ओनली 44 सीट्स इन द लोकसभा इलेक्शंस, तब राहुल गांधी तुरंत दौड़ के जाके एक टेम्पररी जनेऊ लेकर आए हैं और शर्ट पैंट के ऊपर ही इस टेम्पररी जनेऊ को धारण किया है। क्यों धारण किया है कपड़े के ऊपर टेम्पररी जनेऊ को, ताकि जब मौका मिले एट द फर्स्ट इंस्टेंस उसे तुरंत उतारा जा सके। राहुल जी, देश की जनता बुद्धिमान है, यह भारत की जनता है। भगवा का अर्थ होता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भार् भवे, सबके दुखों को हर लेना, सबके सुख की कामना करना, सभी के लिए जीवन वसन करना, वसुधैव कुटुंबकम, यह भारत के मिट्टी का चरित्र है। इसको हिंदू मुसलमान हरा भगवा इस प्रकार से बांटने की कोशिश जो सदियों से, मैं कहूंगा, आक्रांता पहले करते थे, अंग्रेजों ने बाद में किया और उसके बाद उन्हीं से डिवाइड एंड रूल पॉलिसी सीखते हुए आपके परिवार के लोगों ने, गांधी परिवार के लोगों ने
चाहे वो राजीव गांधी जी हो, बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। सिखों का मान मर्दन किया गया, सिखों को सड़कों में टायर डाल डाल के 3000 हमारे सिख बंधुओं को मार दिया, और आज हिंदुओं के नाम पे आप राजनीति कर रहे हैं। इशरत जहान को, जो एलईटी से संबंध रखती थी और जिसका नाम एलईटी के वेबसाइट पे भी आया, उसको आप शहीद बताते थे, फाइलों में एफिडेविट चेंज कराते थे और भगवा आतंकवाद बताते हैं। राहुल गांधी जी, तिरंगे में भी भगवा का रंग है, और तिरंगा का यह भगवा रंग आपको जवाब देगा। जहां जहां चुनाव होगा, क्योंकि ये लोकतांत्रिक देश है, जवाब भी ईवीएम के बटन से मिलता है, लोकतांत्रिक तरीके से मिलता है। राहुल जी, जहां जहां चुनाव होगा वहां वहां तिरंगे का भगवा आपको जवाब देगा और कांग्रेस को उखाड़ के बाहर निकाल देगा, क्योंकि आपने इस देश के सभ्यता, संस्कृति और हिंदुओं के साथ मजाक किया है। धन्यवाद बंधु। हिंदुस्तान, स्टेट्स मेक द नेशन।